टीकमगढ़ जनपद पंचायत के दरियाव नगर ग्राम पंचायत के कृषक सुरेंद्र सिंह परमार ने बहुत ही कम समय में ही मत्स्य उत्पादन के 25 बायोफ्लॉग टैंक स्थापित कर एक बड़ी मिसाल पेश की है और वह अच्छा खासा मुनाफा कमाने की स्थिति में जा पहुंचे हैं। मछली पालन ग्रामीणों के लिए बेहतर आय का स्रोत बन सकता है। किसान अगर मछली पालन सही तरीके से करें और उनके पास पानी का बढ़िया स्रोत हो तो मछली पालन उनकी आजीविका का साधन बन सकता है और वो एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत टीकमगढ़ जिला कृषि विभाग द्वारा इसी पहल के तहत किसानों को मछली पालन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्हें मछली पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। हमारे फिशरीज के श्री मिश्रा जी टिकरिया जी ग्राम पपौनी में तो बायोफ्लास का प्लांट लगा है जिसमें 25 लाख का केस है, लगभग 60% सब्सिडी है और ये कम जगह पे अधिक उत्पादन लेकर अधिक लाभ कमाने की अच्छी स्कीम है और मैं चाहता हूँ कि हमारे जिले के सभी टीकमगढ़ में अधिक से अधिक इस योजना का लाभ लें क्योंकि हमारे यहाँ जो खेती है वो उतनी अच्छा उत्पादन नहीं होता उससे और पानी की भी कमी है। तो बायोफ्लॉग सिस्टम से एक तो पानी कम लगेगा, दूसरा उत्पादन अधिक होगा और घर बैठे ही काम होगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर पलायन करने की जरूरत नहीं। इससे अच्छा उत्पादन मिलने से उसकी आय में अच्छी वृद्धि होगी। बायोफ्लॉग प्लांट जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है उसके हितग्राही परमार जी के यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर इन्होंने जिस प्रकार से माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय प्रधान सत्य न्यायाधीश महोदय के तत्वावधान में जो वृक्षारोपण में रुचि दिखाई है, हम उनका धन्यवाद करते हैं और आप सब लोगों से भी प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, पानी का जल स्तर कम हो रहा है, आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।